बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड की धरती पर इतिहास रच दिया है। बे ओवल में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने मेजबान न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। बांग्लादेश के लिए ये जीत ऐतिहासिक है। इससे पहले बांग्लादेश ने कभी न्यूजीलैंड को टेस्ट में नहीं हराया था, साथ ही किसी भी फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की सरजमी पर यह बांग्लादेश की पहली जीत भी है। बांग्लादेश को न्यूजीलैंड में किसी भी फॉर्मेट में जीत हासिल करने में 32 मैच लग गए। इस हार के साथ ही न्यूजीलैंड का घर में लगातार 17 टेस्ट में अजेय रहने का सिलसिला भी टूट गया। आखिरी बार 2017 में न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका ने मात दी। बता दें कि बांग्लादेश की शानदार जीत के हीरो इबादत हुसैन रहे, जिन्होंने मैच में कुल 7 विकेट झटके। इबादत को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। इससे पहले बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही, टॉम लेथम 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे विकेट के लिए विल यंग और डेवन कॉनवे ने 138 रन की साझेदारी की। अपने घर में पहला टेस्ट खेल रहे कॉनवे ने 122 रन की शानदार पारी खेली, जबकि विल यंग ने 52 रन का योगदान दिया। के बाद हेनरी निकल्स के बल्ले से 75 रन आए। न्यूजीलैंड की पारी 328 पर सिमटी। जवाब में बांग्लादेश ने 458 रन बना दिए। महमूदुल हसन जॉय ने 78, नजमुल हसन शांतो ने 64, कप्तान मोमिनुल हक ने 88, लिटन दास ने 86 और मेहदी हसन मिराज ने 47 रन की अहम पारियां खेली। इसके बाद न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 169 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के लिए गेंदबाज इबादत हुसैन ने 46 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। पहली पारी में बढ़त के आधार पर बांग्लादेश को जीत के लिए 40 रन का लक्ष्य मिला और 2 विकेट खोकर मोमिनुल हक की टीम ने जीत हासिल कर ली। घर के बाहर बांग्लादेश की यह सबसे बड़ी टेस्ट जीत भी है। बता दें कि पिछले 10 सालों में यह पहला मौका है जब किसी एशियन टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में जीत हासिल की है। आखिरी बार 2011 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। अब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट 9 जनवरी से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं और आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी अविनाश ने, कैमरे पर इसे शूट किया मोहन ने। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?